वैसे मैं पूरा ये जो डिसीजन सेगा सिद्धार्थ के ऊपर छड्या सी, क्योंकि मैं पता सी कि वो जो भी चूज करेंगे वो बेस्ट होगा। तो मैं बहुत खुश हाँ कि उन्होंने मेरे लिए आउटफिट चूज किया, और मैं ट्रेडिशनल कपड़े पाना बहुत पसंद आ। तो ये आई थिंक परफेक्ट मिक्स आ ट्रेडिशनल तो मॉडर्न का। तो मैं ज़्यादा कुछ पूछने की सोचने की लोड़ नहीं पई, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आउटफिट रखा सीगा मेरे लिए, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एक्चुअली मैनू कदे मैं इदा सोचिया नहीं, आई थॉट मैनू हमेशा ये लगता हुंदा सी दैट आई एम नॉट टॉल इनफ फॉर रनवे, एंड मैनू ये भी लगता हुंदा सी कि शायद मेरा फेस जिहड़ा आ वो फैशन मॉडल की तरह नहीं है, मैनू ये लगता हुंदा सी। बट आई थिंक रब की यही रजा सी कि मैं एक्टर बना, तो मैं बहुत खुश हाँ कि मैं एक्टर हाँ, और उही मैनू सब तो वधिया लगता। बट देखो एक्टर होने के किन्ने फायदे आ कि तुसीं मॉडल मॉडलिंग भी कर सकते हो कदे कदे। सो आई फील वेरी हैप्पी, वेरी ब्लैसड, और सब तो मैं वधिया गल ये लगी कि अज मैं चंडीगढ़ च रैंप वॉक पहली बारी की है, तो ब्लेंडर्स प्राइड यू नो दे मेड दैट हैपन। तो ये बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि थानू मिलती रहनी है फिल्मों के चक्कर च, फिल्मों की प्रमोशन के दौरान, बट अज ब्लेंडर्स प्राइड फैशन नाइट्स के करके असं सारे इकट्ठे हुए हैं, दोबारा मिले हैं। सो वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस। डेफिनेटली आई थिंक मेरे करियर की शुरुआत च जो मैं छोटी सी मैं मिस इंडियाज़ नू देख के वड्डी हुई हाँ, मेरा बहुत मेरी रीच सी कि मैं मिस इंडिया बना, तो वह नहीं पूरा हो पाया। बट जो भी मैं हूँ रैम पर वॉक करती हूँ, मैंने वो दिन याद आ कि जो मैं दूसरी मिस इंडियाज़ नू रैम पर वॉक करते देखती हूँ सी। सो डेफिनेटली वो सब मेरे दिमाग च दिल च दोबारा याद आता है।